नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। देश भर में मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 91वें जन्मदिन। मनाली में दो ग्रामीणों ने की देवता से अटल के स्वास्थ्य की कामना। भाजपा के गढ़ हमीरपुर में जयराम ठाकुर के सीएम पद पर मुहर लगने के बाद खुशी पर मायूसी जैसा माहौल। अकेला युवक चौक पर मनाता रहा जश्न। लाइंस क्लब सोलन बेली का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया गया सम्मानित। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस के मौके पर बच्चों ने काटा केक और सभी लोगों के लिए की गई प्रार्थनाएं। 91वें जन्म दिवस पर्यटन नगरी मनाली के नजदीक गांव परिणी में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मनाली से गहरा लगाव रहा है। देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी गर्मियों में मनाली में अपने निवास स्थान पर आते थे और ग्रामीणों के साथ दुख में शामिल होते थे। परिणी गांव के ग्रामीण हर साल अटल जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। सोमवार को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गांव वासियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर वाजपेयी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्थानीय देवता से उनके दीर्घायु की कामना की। आज परम सौभाग्य का दिन है। भारत रत्न से नवाजे हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 93वें जन्मदिन आज प्रेणीवासियों ने बनाया। वाजपेयी जी आज 93 वर्ष में चल पड़े हैं और गांववासी में खुशी की लहर है। हम गांववासी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वाजपेयी जी का स्वास्थ्य ठीक हो। वाजपेयी जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। धन्यवाद। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। भाजपा के गढ़ हमीरपुर में जयराम ठाकुर के सीएम पद पर मुहर लगने के बाद खुशी के नाम पर मायूसी जैसा माहौल है। तो इसी बीच हमीरपुर में एक वाक्य देखने को मिला, जहां एक युवक चौक पर अकेले जश्न मनाता रहा, जबकि कोई भी भाजपा कार्यकर्ता या नेता उसकी खुशी में हिस्सा नहीं बन सके। जयराम के अकेले समर्थक अनूप पराशर ने आते जाते लोगों को मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। गत काफी सालों से अनूप पराशर नौकरी के चलते हमीरपुर में निवास कर रहा है और मूलतः मंडी जिले का रहने वाला है, और सीएम पद पर जयराम के नाम के ऐलान के बाद से ही अनूप में गदगद है। वहीं युवक को हमीरपुर में जयराम के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी न होने का भी मलाल है, जिसके चलते अकेले ही युवक ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। हैरानी की बात तो यह कि हमीरपुर जो भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ किसी भी कार्यकर्ता या नेता ने इस युवक के जश्न में साथ नहीं दिया। युवक ने अपने नाम के साथ जयराम का पोस्टर भी छपवाकर मुख्यमंत्री को बधाई दी है, जो कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। खुशियाँ मनाने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। मुझे लगा कि जयराम ठाकुर जी को प्रदेश का जब मुख्यमंत्री की घोषणा करी गई, सो मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और गांधी चौक पे आके मैंने पटाखे फोड़े, अपने दोस्तों के साथ मिठाई बांटी और एक मुबारकबाद का संदेश भी मैंने गांधी चौक पे लगाया है जयराम ठाकुर जी के लिए। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला था या मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। हाँ, मेरे को खुशी थी तो मैंने अपनी खुशी जाहिर करी, बाकी लोगों के दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। वहीं अनूप पराशर ने कहा कि जब से जयराम ठाकुर की घोषणा हुई है, तब से वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए अकेले ही मिठाई बांटकर खुशी मनाई है। उन्होंने कहा कि इसका फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अकेले ही खुशी मनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। 16 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लायंस क्लब सोलन वैली का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का थीम पूरी तरह से क्रिसमस पर आधारित था। कार्यक्रम में एसपी सोलन मोहित चावला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उनका स्वागत सेंटा क्लॉज ने किया। इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में आगामी वर्ष के लिए डॉक्टर रविकांत सूद को क्लब की बागडोर सौंपी गई। इस अवसर पर क्लब द्वारा ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा व उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। क्लब द्वारा 10 गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 सिलाई मशीनें भी वितरित की गई।
और 30 के करीब महिलाओं को घर का राशन व सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल के लिए 2 व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई। क्लब द्वारा गरीब स्कूली बच्चों को कंबल भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने क्रिसमस केक काटकर व नाच गाकर धूमधाम से मनाया। क्लब के नवनियुक्त प्रधान रविकांत सूद ने कहा कि लॉयन क्लब हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है। उन्होंने कहा कि क्लब द्वारा ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, स्वच्छता अभियान जैसे कई अभियान चलाए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लब हमेशा गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को किसी भी सहायता की जरूरत हो तो वह उनसे सीधा संपर्क कर सकता है। एक प्रधान का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने क्लब के माध्यम से जितने अधिक से अधिक सेवा कार्य करते करे, वो अपने सभी सदस्यों को साथ लेकर जिस तरह से गरीब बच्चों की या गरीब महिलाओं की जो भी उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में हम शहर के लिए भी बहुत सारे जिस तरह स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य कैंप्स लगाएंगे और ब्लड डोनेशन कैंप्स और भी लगाएंगे और बहुत सारे जितने सेवा के कार्य हैं वो मेरा एक मुख्य उद्देश्य होगा, मेरा ध्येय होगा कि मैं उन सभी अपने सभी टीम के सदस्यों को साथ लेते हुए वो कार्य संपन्न करूं। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं वो मुझे संपर्क कर सकता है। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी स्थित ऐतिहासिक गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा परिसर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव बड़ी हर्षोल्लास व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ऐतिहासिक गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा परिसर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में गुरुद्वारा पहुंचकर गुरुद्वारा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए व शीश नवाकर आशीर्वाद ग्रहण किया। रागी जत्थों ने गुरुवाणी के द्वारा सारी संगतों को निहाल किया। श्री गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मंडी के प्रधान महिंदर पाल सिंह ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है और दूर दूर से संगतें आई हैं व गुरुवाणी का आनंद ले रही हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਕੋਰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਜੱਥਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸ਼ਕੇਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕੇਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਇਸ ਕੇ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਡੇ ਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। वहीं युवाओं में भी गुरु जी के प्रकाश उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला और गुरु जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। युवाओं के अनुसार श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन प्रेरणादायक है। ਪਾਇਆ 24 ਤਰੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵਨ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਮ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੇ ਚੈਨਲ। ਭਗਤੋ ਚਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ, ਅਬ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰ ਫੋਰਥ ਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਸਚਦੇਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਪੱਡਲ ਮੰਡੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਸ ਫਾਰ 2017-18। ਸਚਦੇਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਚੌਹਾਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਟਾਊਨ ਮੰਡੀ, ਪਲੇਵੇ ਵਿਦ ਕ੍ਰੈਚ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਚਦੇਵਾ ਕਾਲਜ, ਮੰਡੀ। कला, संस्कृति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से सक्रिय हिमाचल प्रदेश की अग्रणी संस्था सूत्रधार कला संगम कुल्लू की ओर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके सेवा में एक संदेश भी प्रस्तुत करना चाहूँगा कि इन दिनों नन्ही प्रतिभाओं को उभारने के लिए सूत्रधार भवन में 25 दिसंबर से कराटे और डांस क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो 11 फरवरी तक चलेंगी। 11 फरवरी को ग्रैंड फिनाले होगा। आप सबके आशीर्वाद से इस बार सूत्रधार की टीम ने हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य एवं नाटक में प्रथम स्थान अर्जित करके हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सव में करने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब अकमाल सरबंस दानी दशम पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 391वें प्रकाश पर्व सोलन के मुख्य दरबार साहिब अपर बाजार में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरु साहिब में अखंड पाठ साहिबा के भोग डाले गए और अलौकिक कथा एवं कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जतों सहित विशेष रूप से हजूरी रागी अमृतसर साहिब से भाई दविंदर सिंह ने शब्द कीर्तन गायन कर सिख इतिहास व श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिब के जीवन पर प्रकाश डाला। कीर्तन दरबार में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 391 प्रकाश पर्व की देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए गुरुद्वारे के सदस्य भाई गुलाब सिंह ने बताया कि गुरु साहिब ने देश व धर्म के लिए अपने परिवारों की कुर्बानी दी थी।
उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की सृजना की थी। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि हमें गुरु साहिबा के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। इस पावन पर्व पर जिला भर के सभी गुरुद्वारों में सैकड़ों लोगों ने गुरु के चरणों में शीश नवाकर प्रसाद व लंगर ग्रहण किया। समूह संगता ने एकत्र होकर शहर श्री सतगुरु गोविंद सिंह जी पातशाह का अवतार दिहाड़ा बड़े उत्साह पूर्वक मनाया। गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह वो शख्सियत जिसने अपना सर्वंश दान किया, पहला पिता वारिया माता वारी, उस तो बाद पूरा परिवार धर्म की खातर हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते अपना सारा सर्वंश दान किया। साहिब श्री सतगुरु गोविंद सिंह वो हस्ती सन जिन्होंने गुरु पंथ खालसा की साजना की। गुरु के घर जी सदा रखने वाले ने उन्होंने बेनती की जाती है कि अपने सिखी स्वरूप कायम रखन ते आपसी भाईचारा, चाहे वह हिंदू होवे चाहे मुसलमान होवे चाहे सिख है चाहे कोई ईसाई है, सारा का आपसी प्रेम प्यार सारा के नाल मिल जुल के गुरु घर की जिहड़ी मर्यादा है उस नूं कायम रखते हुए सतगुरु जी का उपदेश मनना करन। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी स्थित क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला त्यौहार क्रिसमस बड़े ही हर्षोल्लास व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। पास्टर जनकराज ने बताया कि इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पास्टर जनकराज ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर बच्चों व महिलाओं ने गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाया। पास्टर जनकराज ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर बच्चों द्वारा केक भी काटा गया और सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं भी की गई। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस साल फिर परमेश्वर ने हमें क्रिसमस मनाने का मौका दिया है और इस क्रिसमस को जब हमने मनाया है आज तो परमेश्वर ने हमें बहुत सी आनंद दिया है इस क्रिसमस के अंदर। और सचमुच जब हमने इस क्रिसमस को आज शुरू किया तो प्रार्थना के साथ शुरू किया था और उसके बाद हमने सब लोगों का स्वागत किया। स्वागत के बाद जो है बच्चों ने यहाँ पे डांस किया है, औरतों ने यहाँ पे जितनी भी चर्च की बहनें उन्होंने कैरल गाया है, अब केक काटा गया है और केक काटने के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि सेंटा क्लॉज के साथ जो बच्चे पूरा साल इंतजार करते हैं उसके बीच में बच्चों ने बहुत सी मस्ती की है, सेंटा क्लॉज के साथ डांस किया है और इस प्रकार से जो है इस काम को आज परमेश्वर हमें करने का मौका दिया है। मैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च का पादरी मंडी में जो स्थानीय कलीसिया है उसका जो उसमें मैं पादरी हूँ और मैं 2005 से इस चर्च की सेवा कर रहा हूँ और परमेश्वर ने मुझे 2005 से जहाँ सारे मंडीवासियों के लिए प्रार्थना सभा अरेंज करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए एक मौका जो दिया है मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने सारे मंडीवासियों के लिए और मंडीवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है क्रिसमस की बधाई है और सारे मंडीवासियों को नए साल की मेरी तरफ से बधाई। प्रभु आप सबको इस क्रिसमस के द्वारा बहुत सी आशीष दे, आपके घरों में शांति समृद्धि आए, ये मेरी सबके लिए दुआ है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भक्तों चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। Also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Patal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with Crash. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे जहां पूरे विश्व में आज क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वहीं पर्यटन नगरी मनाली में भी क्रिसमस संध्या का आयोजन किया गया। ओल्ड मनाली में स्थित पर्यटन निगम के क्लब हाउस में क्रिसमस संध्या बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। ओल्ड मनाली स्थित पर्यटन निगम के क्लब हाउस में क्रिसमस संध्या बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। पर्यटन विभाग की तरफ से क्लब में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कपल्स डांस, लेमन डांस आदि का इंतजाम किया गया था। वहीं मनाली आए पर्यटकों का कहना है कि जिस तरह से सरप्राइज उन्हें यहां मिला उसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, और डीजे पर जो कुलबी गीतों पर डांस हो रहा था उसे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। पर्यटकों ने कहा कि जिस तरह से क्रिसमस डे को यहां पर लोकल तरीके से और लोकल गानों पर डांस कर मनाया जा रहा है, इसे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर फोक डांस हुआ, ये लोग हिमाचल टूरिज्म को इतना प्रमोट कर रहे हैं, काफी इम्प्रेसिव है। इससे हम लोगों को यहाँ के कल्चर के बारे में पता चल रहा है। एक्चुअली मैम क्रिसमस का डे है और इस तरह का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, बिल्कुल हटके ही आयोजन किया जा रहा है, तो कैसा बोलो और क्या कहना आपको? हम ऑलरेडी इतनी एनर्जी लेके आए हैं, बट यहाँ पर आने के बाद ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि और एनर्जी बढ़ गई है इतना घूमने के बाद भी। हिमाचल टूरिज्म मनाली परिसर में क्लब हाउस में 24 दिसंबर टैक्स मास के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने टूरिस्टों के लिए कुछ पहाड़ी लोक नृत्य और कुछ फोक डांस और साथ में लेमन डांस, कपल डांस आदि का आयोजन किया है। उसमें जो विजेता हैं उनको पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हमने आज 24 दिसंबर को क्लब हाउस में क्रिसमस डे मनाया, उसमें हिमाचली फूड और चाइनीज फूड है सारा मिक्स करके अच्छी डिशेज विद स्नैक्स बनाई है, और जो कपल डांस वगैरह रखे हुए हैं उसमें इनाम भी रखे हुए हैं। जैसे के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। बड़ा देव कमरूनाग जी को अपने लाभ लश्कर के साथ तेरा हारी के फेरे पर सोमवार को निकले। देवता का यह हारी फेर 5 वर्षों के उपरांत आयोजित किया जाता है। इस हारी फेर में देवता के 13 तोगड़ों की पूजा की जाती है। इस हार फेरे को जतरवाड़ मेला भी कहा जाता है। इस जतरवाड़ मेले के दौरान देवता के कारदार भेरा पर रहते हैं। 13 हारियों में देवता के तोगड़ों की 5 वर्षों के उपरांत पूजा पाठ किया जाता है। इस पूजा पाठ में तोगड़े की कलियां एवं जागृति मुख्य रूप से शामिल है। इस जतरवाड़ मेले का 13 हारी के लोगों एवं देवता के कारदारों बेसब्री से इंतजार रहता है। हारी फेरी के उपरांत देवता 1 माह के बाद मझोटी स्थित कोठी में वापस पहुंचेंगे। जानकारी देते हुए सचिव दुनीचंद ठाकुर ने बताया कि इस जतरवाड़ मेले के लिए देवता के सभी प्राचीन वाद्य यंत्रों को ले जाया जाता है। जतरवाड़ी मेले के लिए निकले हैं। ये जतरवाड़ी मेला 5 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। इस मेले को लेकर देवता की 13 हारियों के लोगों में बहुत सारा उत्साह है। इस उत्साह को पूर्ण करने के लिए देवता आज अपनी कोठी मझोटी से रवाना हो चुके हैं। देवता इस जतरवाड़ा मेले के लिए पूरे 1 माह तक अपने 13 हारियों में भ्रमण करेंगे तथा विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी देवियों का आयोजन एवं तोगड़ों की पूजा होगी। इस जतरवाड़ा जात्रा को लेकर हारी के लोगों में उत्साह था और 5 वर्ष का इंतजार अब उनका खत्म हुआ है। बता दें कि देवता रोहंडा चौकी, सरन, खलांग, पौड़ा कोठी, सेगल, सेराधार, तुरांडी, औकल आदि हारियों के फेरे पर 1 माह पर रहेंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। देशभर में मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 91वां जन्मदिन। मनाली में 2 ग्रामीणों ने की देवता से अटल के स्वास्थ्य की कामना। भाजपा के गढ़ हमीरपुर में जयराम ठाकुर के सीएम पद पर मुहर लगने के बाद खुशी पर मायूसी जैसा माहौल, अकेला युवक चौक पर मनाता रहा जश्न।
लायंस क्लब सोलन बेली का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में पुलिस कर्मी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया गया सम्मानित। और देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस के मौके पर बच्चों ने काटा केक और सभी लोगों के लिए की गई प्रार्थनाएं।